फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि होना चाहते हैं अगर पूरे सब्जेक्ट में पास तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ आपके लिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे वीडियो के सहारे अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप 100% बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं, और मैं आपको इतना भी कह रही हूँ कि आप 100% नंबर भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का ले आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि आपकी क्लास 12th पे निर्धारित है, वो भी केमिस्ट्री का है, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जो भी बता रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से है, कक्षा 12 का विषय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आसानी से आपको अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉपी नहीं राइट करने आती है तो मैं भी अपने वीडियो पे कुछ चैनल्स पे अपने डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। पहला है जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़रूर देख लीजिएगा कि नेटवर्क ठोस सिक्के किसे कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी हमेशा करके मैं जितने भी बता रही हूँ सब के सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। सेकेंड है, फ्रेकल तथा शाटकी दोष की परिभाषा लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फ्रेकल तथा शाटकी जो दोष होती है उसकी परिभाषा लिखिए। थर्ड है, FCC तथा BCC जालक की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आता है जालक की परिभाषा लिखने को, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चौथा है, संकुलन क्षमता तथा असंकुलन क्षमता प्रभास किसे कहते हैं, यानी जो संकुलन क्षमता है और जो असंकुलन प्रभास है किसे कहते हैं, ये राइट करना है आपको, तो आप किसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ सारे शॉर्ट में लॉन्ग में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पूरे कॉपी के केमिस्ट्री से है, यानी ये आपके पूरे किताब से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा, सबके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन है, मोलरता नॉर्मलता मोललता की सूत्र सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, जो अब मोलरता है और नॉर्मलता है, मोललता है कि सूत्र की सहित परिभाषा राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठवां, फार्मलता तथा मूल प्रभाज की परिभाषा का सूत्र लिखिए, यानी जो फार्मलता है तथा मूल प्रभाज है की परिभाषा और उसके सूत्र लिखने को आते हैं, सो आप ज़रूर राइट कर लीजिएगा, सॉरी पढ़ के ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। ये सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये सब आने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन है, हेनरी का नियम तथा इनके नियम की सीमाएं लिखिए। जो हेनरी का नियम है और तथा इनकी जो नियम सीमाएं हैं उन्हें लिखना है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आठवां है, राउल्ट का नियम तथा सीमाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कि राउल्ट का नियम क्या होता है, इसका और सीमाएँ पूरा पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि परासरण दाब तथा परासरण क्रिया क्या होती है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यानी जो परासरण दाब होता है, परासरण क्रिया होती है क्या होती है, इसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दसवां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा और अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया को राइट करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ग्यारहवां क्वेश्चन आता है, कोलराउस का नियम। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोलराउस का नियम, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, बारहवां है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। क्या है बारहवां, मानव जो इलेक्ट्रोड है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखना है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसे फ्रेंड्स। ये सब के सब मैं जितने भी बता रही हूँ सब के सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और पक्का है कि ज़रूर आएगा। तेरहवां है, नर्स समीकरण तथा सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ज़रूर आपके क्वेश्चन में आएगा, पढ़ लीजिएगा। चौदहवां है,
प्रथम कोटि द्वितीयक शून्य कोटि की परिभाषा तथा सूत्र। ओके, सूत्र मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 15वां है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अभिक्रिया क्या है कि इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके राइट नाम को राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7वां है 16वां अधिशोषण विशोषण, शोषण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, अधिशोषण शोषण विशोषण की परिभाषा तथा उदाहरण, ये क्लास 12th के जितने भी क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के बता रही हूँ सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पढ़ के जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। 17वां है पेप्टीकरण डेंटल प्रभाव ब्राउनी गति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यानी पेप्टीकरण और टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति की जो परिभाषा है उसे उदाहरण सहित लिखने को आ रहा है, तो आप राइट कर लीजिएगा। 17-18वां है पायस स्वर्ण संख्या की परिभाषा लिखिए, स्वर्ण संख्या यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है। आप कोई भी किसी भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो कि मॉडल पेपर है सेट उठा के देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आए रहते हैं फ्रेंड्स, तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। 19वां है संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए, क्या है कि संक्रमण जो तत्व हैं उसको परिभाषित करना है। 20वां क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्यों। ठीक है, ये सब सारे के सारे लॉन्ग आंसर हैं, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्यों। फ्रेंड्स सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताई हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ये काम की चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपके पूरे रसायन विज्ञान से मैं पूरे के पूरे बुक से पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई, जिसे आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि पक्का ये सब फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ZN प्लस प्लस आयन प्रतिचुंबकीय जबकि CU प्लस प्लस आयन अनुचुंबकीय है क्यों। ठीक है, ZN प्लस प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है और जबकि जो CU है प्लस प्लस आयन वह अनुचुंबकीय है क्यों। ठीक है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व 4F तथा एक्टिनाइड श्रेणी 5F के तत्व को लिखना है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, लेंथेनाइड ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23वां है लेंथेनाइड आकुंचन तथा एक्टिनाइड आकुंचन को समझाइए। ठीक है, लेंथेनाइड जो आकुंचन है तथा जो एक्टिनाइड आकुंचन है उसको समझाना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। वर्नर का सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नर का जो सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। 5वां है लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए, 25वां क्या है लिगेंड का जो वर्गीकरण कीजिए। 26वां है DNA तथा RNA का संपूर्ण ज्ञान बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगी कि आप पूरे चैप्टर ही पढ़कर जाइएगा DNA RNA का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 28वां है मालीरंज परीक्षण क्या है, मालीरंज परीक्षण क्या है ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, मैं जितने भी बता रही हूँ सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जो 29वां है ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा करके आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, क्या कि कार्बोहाइड्रेट विटामिन और प्रोटीन, इसकी आपको टिप्पणी लिखने को आ सकती है, तो आप टिप्पणियाँ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद के लिए 3 परीक्षण लिखिए, यानी जो मेथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल है इसमें विभेद के 3 परीक्षण लिखना है, आप पढ़ कर जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं, आपके किसी भी पेपर शीट में देख लीजिए ये पक्का आए रहते हैं, मेथिल एथिल एल्कोहल। वांट आप गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है,
वांट आप जो गुणांक है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर पढ़ लीजिएगा वांट आप गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट है वर्ग 16 के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। क्या वर्ग जो 16 है उसके तत्वों की स्थिति क्या विवेचना करना है, तो सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर पढ़कर जाइएगा। ये अक्सर करके हमेशा आपके एग्जाम में आते रहते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मैं जितने भी आपको टॉपिक दी हूँ सारे के सारे पढ़ कर जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में पक्का ये सब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप कोई भी क्वेश्चन बुक या फिर आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं किसी भी सेट का, तो ये ज़रूर सारे के सारे क्वेश्चन आए रहते हैं, तो ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ओके।